नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है और बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। कश्मीरी पंडितों को 3000 नौकरियां और 6000 फ्लैट। केंद्रीय गृह मंत्रालय कश्मीरी पंडितों के लिए 2000 करोड़ रुपए का एक पुनर्वास पैकेज तैयार कर रहा है, जिसके तहत विस्थापित समुदाय के लिए 3000 सरकारी नौकरियां और 6000 नए फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि कश्मीरी पंडित की वापसी एवं पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपए के पैकेज को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए एक नोट तैयार किया जा रहा है। कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में 1980 के दशक में उग्रवाद के उदय के बाद अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए थे। पाक ने किया भारतीय ड्रोन मार गिराने का दावा, भारत का इनकार। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उसने नियंत्रण रेखा के पास हवाई फोटोग्राफी के जरिए जासूसी कर रहे भारतीय ड्रोन को मार गिराया है। भारत ने पड़ोसी देश का ये दावा सिरे से खारिज कर दिया है। पाक सेना ने दावा किया कि इस ड्रोन का उपयोग हवाई फोटोग्राफी के लिए किया जा रहा था और पाकिस्तान की भूभागीय अखंडता का उल्लंघन करने के कारण उसे गिराया गया। भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने हालांकि इसे सिरे से खारिज कर दिया कि उनका कोई ड्रोन मार गिराया गया या दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। गोलीबारी से ड्रोन को गिराने की घटना से करीब एक सप्ताह पहले ही दोनों देशों के बीच व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ की रूस के उफा में मुलाकात हुई थी। भूत बंगले से होगी व्यापम घोटाले की जांच। व्यापम घोटाले में कई लोगों की रहस्यमय मौत की जांच करने के लिए आई सीबीआई की टीम को कार्यालय बनाने के लिए राज्य सरकार ने भूत बंगले के नाम से कुख्यात बड़ा सरकारी बंगला आवंटित किया है। गृह विभाग के प्रमुख सचिव बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि नई दिल्ली से यहां व्यापम घोटाले की जांच के लिए आई सीबीआई टीम को प्रोफेसर कॉलोनी में B10 नंबर का सरकारी बंगला आवंटित करने की लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के मंत्री और अधिकारी इस बंगले में रहने से कतराते हैं, हालांकि इसमें अभी तक स्थानीय गुप्तचर इकाई का कार्यालय था।